नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये द्वितीय वर्ष, और द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, और उसकी जो प्रथम इकाई है जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। और इसी इकाई के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वर्तमान में चल रहा है वो है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। और पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के बाद हमने आज हमको हमारा जो पहला बिंदु है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो बिंदु जो है हमारे सामने वो है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण, अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण, अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण, अधिगम अनुभव मतलब लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस का जो मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं उनका कंटेंट के रूप में एक ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकते हैं, मतलब सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है हम समझने का प्रयास करेंगे। वो ये है कि हमने जो अधिगम अनुभव प्राप्त किए हैं या किसी विषय को समझने में अधिगम अनुभव हमारे को रहे हैं उसका उपयोग हम पाठ्यक्रम के विकास में कैसे कर सकते हैं या पाठ्यक्रम के सोपान, पाठ्यक्रम को मान रहे हैं उसके विकास के सोपान में हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि जो हमारा जो मुख्य बिंदु है अधिगम अनुभव या उसे उसका जो अंतरण है ट्रांसपेरेंस है वो किस प्रकार होना चाहिए, मतलब ये अधिगम अनुभव का चौथा एक पार्ट है और इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत ये होगा कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उस पाठ्यक्रम की जो उस पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है उसको दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे, उस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का विकास करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण में जो अधिगम अनुभव है वो दोनों के हो सकते हैं, दोनों के होंगे, शिक्षक के भी होंगे कि पाठ्यक्रम की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें दोनों में आपसी एक इंटर कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, दोनों में आपसी अंतर संबंध होंगे। क्यों होंगे कि जिस विषय वस्तु को जिस कंटेंट को हम फॉलो करने जा रहे हैं उस फॉलो करने के दौरान उसमें अधिगमकर्ता, जो अधिगमकर्ता और जो हमारे शिक्षक हैं दोनों ही भागीदार हैं, क्रिया दोनों ही से बंध बना रहे हैं। शिक्षक आपके पास प्रदर्शन करे हुए हैं और वो आपको सिखा रहे हैं और आप शिक्षार्थी जो है उसने पूरी प्रक्रिया को गतिविधि के माध्यम से सीख रहा है, तो वो अधिगम अनुभव के द्वारा हम पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जिसे मान लो बायो पढ़ाने वाला शिक्षक है, उदाहरण के तौर पर बायो पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो शिक्षक जब किसी पर्यावरण के पाठ को पढ़ा रहा है या जीव जंतुओं की विविधता के बारे में पढ़ा रहा है या किसी पर्यावरण विशेष के दायरे में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करवा रहा है तो सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं एक भौगोलिक पर्यावरण के बारे में या उसके पर्यावरण के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के बारे में उसे जानकारी देनी होगी। जब वो पर्यावरण का अध्ययन दे रहा है तो पर्यावरण का जो विषय है वो कहीं ना कहीं
एक भूगोल को भूगोल किसी वस्तु को सम्मिलित करता है एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जीव विज्ञान का शिक्षक भी उस विषय वस्तु को भूगोल विषय वस्तु को साबित करेगा बालकों को पढ़ाते हुए बाकी घटकों आगे बढ़ाएगा। भूगोल का व्यक्ति भी होगा शिक्षक होगा वो भी उस जीव विज्ञान के बिंदु को आगे बढ़ाते हुए या संसाधनों के विकास में या हमारा जो जीव जंतु है उनके बारे में भी वर्गीकरण कराता हुआ आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उस कंटेंट का उपयोग हम पाठ्यक्रम के निर्माण के सम्मान के रूप में हम किस प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इतिहास का शिक्षक है या ये मान लीजिए एक स्थिति व्याख्यान देते समय या तो हम ग्रुप कोचिंग कराते हैं दल शिक्षण आपने दल शिक्षण विधि या ग्रुप कोचिंग बेटर है इंग्लिश में से उसमें क्या होता है हालांकि किस विधि का विकास सबसे पहले तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था लेकिन इसमें क्या होता है कि एक साथ में शिक्षा जो शिक्षाविद हैं या अच्छे व्याख्या हैं या विशेष विशेषज्ञ हैं जो मतलब उस विषय के बारे में कांड जानकारी रखते हैं कांड पंडित है उसकी ग्रुप लोगों का पैनल होता है और वो पैनल एक साथ में बालकों को अपने विषय के अनुसार पढ़ा जाता है। तो उसने विषय मानने के लिए एक इतिहास पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो भी वो शिक्षक भी कहीं ना कहीं भूगोल वातावरण को काम में लेगा या भूगोल पढ़ाने वाला शिक्षक है किसी परिप्रेक्ष्य में जाएगा कैसे जाएगा जैसे मानव से भूगोल पढ़ानी है तो भूगोल पढ़ाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं नल मतलब इतिहास जैसे मतलब भूगोल को सुबह होती है भूगोल का पिता कौन था या भूगोल के बारे में उसे पहले भौगोलिक जानकारी या उसने संग्रह किया किसने जानकारी के बारे में पता लगाया या भूगोल के विषय में किसने बारे में मतलब अपनी परिभाषाएँ दी है उस बारे में मतलब इतिहास की पूछ जाएगा वो कुछ भी बात हो जाएगा। इसी तरह हम भाषा पढ़ाने वाले लोग हैं तो हमें भी भाषा के विकास के क्रम के पीछे हमें फलांतरने लिखे हुए ग्रंथों के बारे में जाना होगा और उसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त होंगे। और जैसे मान लो हम किसी स्थान विशेष की भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ रहने वाले संसाधनों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में वहाँ के प्राणियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और वही अध्ययन कहीं ना कहीं जीव विज्ञान का एक विषय वस्तु है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो अधिक अनुभव है और विषय वस्तु का अंतरण पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया में किस प्रकार शायद है इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी माध्यम में आपको बताना चाहूँगा कि इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम विकास में पाठ्यक्रम विकास की जो सोपान है पाठ्यक्रम विकास के जो सोपान है उन सोपानों के अंतर्गत जो मतलब सोपानों के अंतर्गत जो संपन्न होने वाली क्रिया है वो कुछ बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। वो बिंदु किस प्रकार हो सकते हैं तो आइए हम जानकारी करते हैं। उसमें सबसे पहले उद्देश्य कौन कौन से होते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण शैक्षिक उद्देश्य का एक शैक्षणिक उद्देश्य है या तो अंतर कैसे होगा किस प्रकार से वो अंतरण होगा मतलब ट्रांसपेरेंस होगा। सबसे पहले हमारे जो शिक्षण की उद्देश्य थी उसका ट्रांसफर होगा ठीक है ट्रांसपेरेंसी होगा और जो अगला होगा वो अगला जो होगा हमारे सामने वो होगा वो है हमारे शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण उद्देश्यों के जो अंतरण होगा। दूसरा है वो टीचिंग मेथड का अंतरण होगा या शिक्षण विधियों का अंतरण होगा ये कह सकते हैं शिक्षण
नीतियों शिक्षण विधियों का अंतरण, शिक्षण विधियों का अंतरण कैसे होगा कि जब हम उस विषय वस्तु को काम में ले रहे हैं तो उस विषय वस्तु को समझाने में हम कहीं ना कहीं एक शिक्षण विधिया जो उस विषय वस्तु को समझाने में बहुत ज्यादा कारगर है या बहुत ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिबल है, उन शिक्षण विधियों को उन टीचिंग मेथड्स को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार तो अगला जो हमारे सामने जो पॉइंट्स होगा वो होगा शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण, टीचिंग लर्निंग जो मेटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मेटर, टीचिंग लर्निंग जो मेटेरियल है उसका भी ट्रांसफरेंस होगा। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण, शिक्षण अधिगम सामग्री का जो अंतरण है टीचिंग लर्निंग मेटेरियल का भी ट्रांसपेरेंस होगा। टीचिंग लर्निंग मेटेरियल से आप ये मान लीजिए कि टीचिंग लर्निंग मतलब शिक्षण जो अधिगम है उसका जो मेटेरियल क्या होता है, सारे सामने पाठ्य पुस्तकें और मतलब इक्विपमेंट्स हैं तो उनका भी वहाँ पर एक अधिक क्या होते हैं एक अंतरण हो सकता है। उसके बाद जो अगला जो हमारे सामने होगा वो है मानसिक विकास, वो आएगा मानसिक विकास को लेकर। नंबर चार पे आएगा मानसिक विकास, मानसिक विकास मतलब मेन के डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट है। अब जब आप एक विषय का एक विषय वस्तु को स्पष्ट कर लेंगे, जब किसी और अन्य विषय की विषय वस्तु को वहां पर संबोधित करके बालकों के अधिगम स्तर में जो वृद्धि करते हैं, एक लर्निंग लेवल को आप क्या ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं वहां पर उसको क्या होगा, तो बालक का जो एक मेंटल डेवलपमेंट है वो एक अच्छे से समझ पाएगा, ग्रोथ करेगा, मेंटल डेवलपमेंट तीन तरह से होगा। तो इस जो हमारा जीवन अनुभव है उसे वस्तु का जो अंतरण है वो एक बेस्ट प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ेगा। और इसी तरह हमारे सामने जो अगला होगा वो है ज्ञान की व्यापकता, मेरे के बराबर ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की व्यापकता। अब ज्ञान की व्यापकता किस प्रकार है, ज्ञान की व्यापकता किस प्रकार है उसके बारे में छोटा सा उदाहरण आपको मैं देते बताऊंगा कि ज्ञान की व्यापकता जब ऐसे होगी जब आप बायो के सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं और बायो पढ़ाने के दौरान आपको एग्जाम्पल इस हिसाब से देने हैं कि बालक जो 10th लेवल तक जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के आए हैं, सभी सब्जेक्ट्स का अपना ज्ञान रखते हैं, तो उन बालकों को वो उसे वस्तु स्थायी रूप में समझ में आ जाए। जैसे आप मैंने एक किसी विद्यार्थी के पहले पर उससे पूछा था प्रश्न आंसर कि हमारा जो बायो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान वो अन्य जैसे हमारा देश राष्ट्रीयता को लेकर चलता है, स्वदेशी एक स्वार्थ मतलब हमारे परमार्थ को लेकर चलता है, अन्य देश को अन्य देशों की जो विषय की जो विषय वस्तु है वो स्वार्थ पर आधारित हो सकती है, हमारे देश की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हम पूरे देश को एक वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं, पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, कुटुंब इसलिए मानते हैं कि यहाँ के
वास करने वाले पृथ्वी पर समस्त चर प्राणी हमारे एक परिवार की तरह हमारे कुंभ के तरह उस अवधारणा को उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। जबकि ये कॉन्सेप्ट संस्कृत का वेदों का वाक्य है, हमारी संस्कृति का सिरमौर है। ठीक उसी का उदाहरण देखने के लिए अगले देश किस प्रकार से मतलब स्वार्थ पता के लिए अपने विषय को पढ़ाते हैं या जीव विज्ञान को पढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइना देश है, वो क्या कर रहा है, एक वायरस अटैक कर रहा है, उसने छोटे जीवों के माध्यम से उस वायरस को किस प्रकार पैदा किया और आज दुनिया के लिए वो बहुत बड़ी समस्या था, एक समस्या का मतलब बहुत बड़ा समस्या बन चुका है या समस्या का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खजाना बन चुका है। और सभी देशों को उसने जल पर जल की जो हानि पहुँचाई है उस देश ने, इसी तरह अन्य देश भी इस प्रकार एक वायरस के द्वारा या फिर अपने जीव विज्ञान का विषय के द्वारा मतलब किस प्रकार ऑपरेशन के द्वारा या फिर किसी शल्य चिकित्सा के द्वारा किस प्रकार से चिप डाल देते हैं इंसान में, या फिर ऐसे प्रयोग के माध्यम से कि उसमें विस्फोट सामग्री डाल दिए जाते हैं या फिर से मतलब ऐसे दवाइयाँ का निर्माण कर सकते हैं जो मतलब इंसानों के लिए नाजुक होती है। हमारे देश में ऐसी किसी भी जीव जंतु या मतलब उसे किमाड़ का नहीं किया जाएगा। हमारा देश में जो पाठ्यक्रम है वो ह्यूमन बींग को लेकर चलेगा, इसलिए हमारा देश परमात्मा को लेकर चलता है, न कि स्वार्थ को। जीव विज्ञान का विषय केवल और केवल अच्छी खोजों के लिए अच्छे मानवता के पक्ष में इन्वेंशन करने के लिए बल देता है, न कि मानवता को हासिल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं तो अलग अलग विषयों का उदाहरण दे रहे हैं और बालकों की जो अधिकतर की जो कोशिश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, यानी कि व्यापकता का स्तर बढ़ता रहेगा। तो अगला जो बिंदु हमारे सामने है वो है गुणों का अंतरण। माहा है और ये छठा है गुणों का अंतरण। अब गुणों का अंतरण किस प्रकार से होगा, बालकों में गुणों का अंतरण किस प्रकार से होगा कि जब शिक्षक किसी पृष्ठभूमि से या किसी एक मतलब क्षेत्र विशेष उदाहरण देता है तो वहां के रहने वाले निवासियों के बारे में या उनके संघर्षों के बारे में बालकों को डेफिनेटली वहाँ के अच्छे गुणों का समावेश होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पश्चिमी क्षेत्र गुरु में निवास करने वाले व्यक्ति हैं और एक दो कश्मीर की वादियों में गुरु में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, दोनों की जनजीवन एक बार तो उभर है, दोनों का जीवन जनजीवन कैसा है, थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन दोनों ही अपने जीवन में संघर्ष तो वही कर रहे हैं जीवन शैली के अंदर, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अब जिससे मान लीजिए जो मतलब पश्चिमी क्षेत्र गुरुओं में निवास करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति पहाड़ों में बर्फबारी में किस प्रकार सर्वाइवल करेगा, क्योंकि वो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सर्दी का आदि है और पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति बहुत गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं एक गुणों का अंतरण भी वहाँ पर होगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि जो हमारा जो आज का जो महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण, जो हमने प्रोसेस के दौरान जो हमने अधिगम किया है जो लर्निंग किया है उसका जो अंतरण है उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमें नए विषय वस्तु या पाठ्यक्रम सिखाने में किस प्रकार सहायक है, वो पाठ्यक्रम के संबंध में तो आगे बढ़ेगा, हर पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें तुरंत करता रहेगा और वो शिक्षक और ज्ञान हमें आगे की ओर प्रेरित करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो किन बिंदुओं में करता है, सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य रूपांतरण होगा, उसके बाद शिक्षण विधि रूपांतरण होगा, उसके बाद में शिक्षक विधि सामग्री का ज्ञान होगा अंतरण होगा, फिर मानसिक विकास होगा मेंटल एक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में ज्ञान की जागरूकता होगी और फिर गुणों का अंतरण होगा। जब इन सब बातों का विकास होगा तो उसके व्यक्ति के गुण अपना बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए सबको उतना ही और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।